खबरों के मुताबिक इन दिनों पटना जिले में तथाकथित मुखिया के द्वारा मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में सेविका को वार्ड सचिव के रूप में पेश कर हेरा फेरी का मामला सामने आया है। मुखिया जी इतने साथी रहे कि सेविका को वार्ड सचिव बना राशि निकासी भी कर ली। सात निश्चय योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों में 30 लाख की राशि गलत तरीके से निकासी कर लेने का आरोप कई वार्ड सदस्यों ने मुखिया जी के ऊपर लगाया है। इसके लिए वार्ड सदस्यों ने सीएम एवं डीएम को लिखित पत्र भेजा है। इधर ग्रामीण ने भी वीडियो से कार्रवाई की मांग की है। मामला पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड के चक चेचौल पंचायत का है। उप मुखिया वार्ड संख्या 3 के सदस्य, वार्ड 8 के सदस्य, वार्ड संख्या 9 के सदस्य ने मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, उप विकास आयुक्त, एसडीओ समेत कई अधिकारियों को भेजे पत्र में मुखिया पर योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि निर्गत करने को लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि राशि की निकासी के लिए आंगनवाड़ी सेविका को ही वार्ड सचिव बना दिया गया है। नली गली पक्कीकरण योजना में तय राशि से ज़्यादा खर्च की गई है, जबकि सरकार के द्वारा नली गली पक्कीकरण योजना में तय राशि से ज़्यादा खर्च की गई है, जबकि सरकार के सचिव द्वारा 2017 में पत्र निर्गत कर निर्देशित किया है कि इस योजना से एक वार्ड में 13 लाख से ज़्यादा की राशि खर्च नहीं करनी है, जबकि वार्ड संख्या 2, 3, 8 एवं 9 में कोई भी राशि नली गली योजना में नहीं दी गई है। वहीं नल जल योजना में भी वार्ड संख्या 1 में मात्र 3 लाख की राशि दी गई है। इस संबंध में नौबतपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज आनंद ने बताया कि सात निश्चय योजना अंतर्गत नली गली योजना में एक वार्ड में 13 लाख से ज़्यादा खर्च करने का प्रावधान नहीं है। अगर किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो पंचायती राज विभाग के वित्तीय नियमावली के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि नौबतपुर प्रखंड के चक चेचौल पंचायत में अनियमितता को लेकर शिकायत की बात आई है। जांच के बाद कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। यही हुआ कि आंगनबाड़ी सेविका के पद पर रहते हुए उनके द्वारा वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के ये सचिव पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री साहब की इस योजना का वित्तीय और भौतिक दोनों क्रियान्वयन किया और जब वो आंगनबाड़ी सेविका नहीं थी उस समय भी उनके द्वारा राशि ट्रांसफर किया गया और आंगनबाड़ी सेविका रहते हुए भी ट्रांसफर किया गया। यही मामला है सर। जब वो आंगनबाड़ी सेविका बनी उसकी सूचना अपने कार्यालय में दी थी क्या? नहीं नहीं, ये वो चूंकि आंगनबाड़ी सेविका का जो भी ये होता है वो बाल विकास परियोजना कार्यालय में होता है और जिस समय में आंगनबाड़ी सेविका बनी थी उस समय मैं यहाँ पे पदस्थापित भी हूँ। उधर मुखिया ने कहा है कि जब सचिव बनी थी तो सेविका नहीं थी, बाद में उसका चयन सेविका के पद पर हो गया था। नौबतपुर प्रखंड के चकचेचौल पंचायत के वार्ड सदस्यों ने सीएम डीएम डीडीसीएम एसडीओ से जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीएफ न्यूज, पटना।